हाय एवरीवन, कैसे हो। चलिए आज जो हम कक्षा 9 के दूसरे वीडियो में जो है हम कक्षा 9 के दूसरे टॉपिक यानी भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी पर प्रकाश डालते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां क्या होती है। वह राशियां जिसका हम माप तौल कर सकते हैं उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां जो है दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरा जो है सदिश राशि। अब देखिए इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं और मतलब नहीं। जैसे आप हिंदी में जैसे कोई भी विलोम शब्द बनाना होता है तो अ लगा देते हैं विलोम बनाने के लिए, तो अ मतलब नहीं, दिस दिस मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, अ मतलब नहीं दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो, स मतलब साथ, दिशा जिसमें दिशा हो। तो चलिए पहले हम समझते हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियां क्या होती हैं? वह राशियां जिसमें अदिश राशि राशि जो है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है और इसमें जो है दिशा दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। अभी हमने समझा और मतलब नहीं दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपने कह दिया 3 किलोग्राम चीनी, तो 3 किलोग्राम जो चीनी है ये परिमाण हो गया। परिमाण मतलब इसका जो है संख्यात्मक मान है, लेकिन इसमें दिशा का कोई पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह की राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण हो यानी संख्यात्मक मान। नेक्स्ट है सदिश राशियां। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां मतलब वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो इस प्रकार की राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो जैसे सदिश में जो है वो परिमाण भी होगा और प्लस दिशा दोनों होगा। जैसे मैं आप एग्जाम्पल में जैसे आपने कहा कि कार जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पूरब की ओर जा रही है, तो यहां पे देखिए संख्यात्मक मान को हम परिमाण कहेंगे और यहाँ दिशा भी है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे संख्यात्मक मान यानी परिमाण भी है और दिशा भी। एग्जाम्पल में आप सदिश राशियों में वेग त्वरण ले सकते हैं। चलिए बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप कक्षा 9 के अन्य राशियों को बिना हल किए बिना किसी तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी राशियां हैं। आप ज्यादातर देखेंगे कक्षा 9 में जहां भी हुआ ये वह उच्चारण वह जहां भी आएगा वो समझिए ज्यादातर सदिश राशियां होती है। मैं कक्षा 9 के लिए ये बता रहा हूँ, ये कोई भूल नहीं है। इसमें जो है आप वह जहां वह आएगा वो समझ लीजिए सदिश राशि। जैसे मैं देखिए वेग वेग हुआ विस्थापन हुआ विस्थापन बल त्वरण, तो यहां पे देखिए सब में बल ये भी बल जो है बल से ही मिलकर बना ये भी बल, तो यहां पे देखिए ये सभी जो है सदिश राशि है। तो भौतिक राशियों को जो है हम दो पद्धति के माध्यम से मापते हैं। पहला होता है सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म देखिए सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, एमकेएस कोई एमकेएस यानी एसआई यूनिट भी बोलते हैं इसको हम। एमकेएस का फुल फॉर्म एम से मीटर,
के से किलोग्राम, एस से सेकंड। जैसे मैं सपोज करिए आपको दूरी, दूरी का सीजीएस में यूनिट बताना है। जैसे मान लीजिए सीजीएस में यूनिट बताना है दूरी का, तो दूरी का यूनिट सीजीएस में बताएंगे तो सेंटीमीटर, और एमकेएस में बताएंगे तो मीटर। जैसे और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे चीनी है, चीनी का अगर पूछेंगे सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस में चीनी का हम वजन करते हैं तो चीनी का सीजीएस यूनिट ग्राम होगा और एमकेएस यूनिट किलोग्राम। चलिए इस पद्धति के माध्यम से हम किसी भौतिक राशि का जो है सीजीएस और एमकेएस पद्धति में उसका वैल्यू यानी संख्या उसका मान हम रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाल। चाल क्या होता है, चलिए जानते हैं चाल क्या होता है। जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। जब कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित समय के अंतर्गत जो दूरी तय करता है, इस प्रक्रिया को हम चाल कहते हैं। चाल का मैथमेटिकल यानी गणितीय सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। और वेग क्या होता है, देखिए वेग और चाल में थोड़ा सा अंतर है। वेग जो है एक निश्चित दिशा में होती है और चाल जो है निश्चित दिशा में नहीं हो सकती। चाल किसी भी दिशा में हो सकती है और वेग जो है एक निश्चित दिशा में होती है। तो इसका परिभाषा हम क्या परिभाषित करेंगे, वेग यानी जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और वेग का जो है सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चाल जो होता है वो अदिश राशि होता है। क्यों, क्योंकि चाल में जो है सिर्फ संख्यात्मक मान होता है, दिशा का पता नहीं चलता है, इसीलिए चाल को हम अदिश राशि कहेंगे। और वेग जो है सदिश राशि है, क्योंकि वेग में संख्यात्मक मान भी होता है और दिशा भी होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेग जो है सदिश राशि है। अब अंतर, अब ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेग और चाल में अंतर। तो आप अंतर भी लिख सकते हो, वेग चाल जो चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है, वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय होता है। दूसरा अंतर, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। और वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। चाल जो है अदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है। और इसके बाद आप जो है सीजीएस, अगर आपको मैं कह दिया कि सीजीएस पद्धति में जो है चाल का मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक, तो चाल का सूत्र दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे दूरी जो है सीजीएस में अगर निकालना होगा तो सीजीएस में दूरी को हम सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर बटा सेकेंड का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो सीजीएस पद्धति में अगर मैं चाल का मात्रक पूछता हूँ तो आप बताएंगे दूरी का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर होगा बटा समय का मात्रक सेकेंड। अगर यही मैं पूछता हूँ कि एमकेएस पद्धति में बताइए दूरी का चाल का मात्रक, तो आप दूरी दूरी का क्या हो जाएगा एमकेएस में मीटर, मीटर बटा समय का सेकेंड ही होगा। तो इस तरह से हम सीजीएस और एमकेएस पद्धति के द्वारा किसी भी भौतिक राशियों का मान रख सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मैं अपना क्लास जो है आज ही समाप्त करता हूँ। फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।